हाय दोस्तों, कैसे हैं? ये आज निफ्टी पे ये व्यू लेके आया था मैं। ये निफ्टी आज 10,729 पे क्लोजिंग दिया है और आप देखेंगे तो अच्छा खासा 0.62% से अब दिया है। एडवांसेस 36 है और डिक्लाइन 14 है। एडवांसेस में जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके रहा वो जी इंटरटेनमेंट है, अदानी पोर्ट्स है, भारतीय एयरटेल है, बजाज फिंजर्व है और HDFC बैंक है। और जो लूजर रहे वो सन फार्मा, यस बैंक, TCS, इन्फोसिस और आइसर मोटर, ये लूजर पे रहे। आज आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने आपको दोनों तरफ के पोजीशन को दिखाया है, कॉल साइड भी दिखाया है और पुट साइड भी दिखाया है। तो आज जिसने भी पोजीशन बनाया होगा, पहले मेरा जैसा रिकमेंडेशन था आपको 10,650 का पुट जिसने भी लिया होगा तो अच्छा खासा इसमें पोजीशन बनाया होगा आपने। और फिर उसके बाद आप देखे होंगे कि ये वापस आपको 10,650 का देखेंगे आप, तो इसका जो प्राइस आप देखने को मिलेगा आपको ये ऊपर नीचे दोनों तरफ दिखाया है। आप देखेंगे लो बनाया था 10 और हाई बनाया था 128, ओपन हुआ था 63 रुपये में। तो जिसने ओपन हुआ था वहाँ पे भी लिया होगा, कहीं पे भी लिया होगा, तो आपको यहाँ पे मिला होगा 128 रुपये का है। तो फर्स्ट हाफ में तो ये बहुत अच्छा रहा, पुट की और पोजीशन रहा। और जैसा मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियो में बताया था कि थर्सडे या वेडनेसडे सेकेंड हाफ से आपको मार्केट में रिकवरी मिलेगी, ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई चेंजेज नहीं है, जैसा मैंने बताया था वैसे ही आज कंटिन्यू हूँ कि आपको वापस सेकंड हाफ में, क्योंकि अगर आधा देखो जिस लेवल पे जाना, 10,500 पे रेसिस्टेंस था, 10,500 को वो तोड़ नहीं रहा था, तो जब उसको तोड़ नहीं रहा था तो वहाँ से इसको ऊपर लेना था, तो उसने वही काम किया और कोई नया काम नहीं किया है। तो आप देखेंगे ये जो लो बनाया था 10,534 का लो बनाया और ये वहीं से ऊपर लिया और हाई 10,747 का बनाया, तो इसने कोई नया 10,635 पे ओपन होकर के 10,534 का लो बनाता है और फिर वहां से हाई लेता है सेकेंड हाफ में। तो एक अच्छा खासा एक पैटर्न आपको दौड़ाया है। और आप जिसने भी पोजीशन बनाया होगा दोनों ओर अच्छा खासा पोजीशन बना के अर्निंग किए होंगे। और अगर आप निफ्टी में इसको मैं आवरली चार्ट पे भी आपको दिखाऊं, अगर आवरली चार्ट पे भी दिखाऊं आपको, तो ये देखिए आप यहाँ से जब ये फॉल चालू हुआ, आज है 26 तारीख, तो ये 26 तारीख का देखिए ये यहाँ से फॉल हुआ, तो यहाँ पे देखिए 9, यहाँ पे अच्छा खासा फॉल देखने को आपको मिला। यहाँ पे मतलब इसने लो यहाँ पे 10,534 का बनाया, उसके बाद एक साइडवे चलने लगा ये और 10:30 बजे से थोड़ा अपर शो, अपर पोजीशन को शो करना चालू कर चुका था, ये हायर अप अपर लोअर अप बनाना चालू कर चुका था ये देखिए। और ये यहाँ पे अगर किसी ने भी थोड़ा सा भी अगर इस पर सोचा होगा, देखा होगा, तो यहाँ से आप अप पोजिशन यहाँ पे अगर नहीं भी एग्जिट हुआ होगा, तो जब यहाँ पे 10,546 का था तो यहाँ पे पोजीशन एक जब यहाँ पे 10,614 का हाई बनाया था, तो यहाँ पे जरूर से जरूर उनको एग्जिट हो जाना चाहिए था। अगर नहीं किए होंगे कोई बात नहीं, यहाँ पे भी अगर पोजीशन बनाए होंगे तो भी आप देखेंगे कहाँ हाई बनाया है, ये यहाँ से हाई हाई बनाते हुए हाई बनते। और सबसे अच्छी बात है कि इसने मिडिल पोजिशन के जो पोजिशन था 10,700 उसको भी क्रॉस किया हुआ है। और ये देखिए क्या MACD लाइन पे देखिए क्या सॉलिड बुलिश पैटर्न बनाया है। इसका कारण ये था कि लोग सब लोग शॉर्ट पोजीशन पे बैठे हुए थे, तो जो भी शॉर्ट पोजीशन पे बैठे थे उनको अप पोजीशन पे डाइवर्ट होना ही होना था। और उसके बाद क्या हुआ, जब सेकेंड हाफ में मार्केट खुला तो डाउ जोन्स प्लस में दिखाने लगा। ये देखिए अभी भी डाउ जोन्स प्लस में दिखा रहा है, ये भी न्यूज है। दूसरा जो बैंक की मीटिंग है उसका ये न्यूज आया कि अपने प्रधानमंत्री जी खुद उसको चेयर करेंगे, तो ये सब लेकर के बैंक निफ्टी में एक सॉलिड रिकवरी आ गई। और बैंक निफ्टी भी आपको देखेंगे तो अच्छी खासी रिकवरी के साथ फिर से बंग हुआ। बैंक निफ्टी जहां एक बार 26,408 पे चला गया था वहां से देखिए 27,029 का अप बनाया, तो समझे कहां लो था और कहां अप बनाया। और अब क्लोजिंग देखिए फिर तो वो अपर अप में ही दिया है, 27,000 के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। तो कल का भी जो जो रहेगा मार्केट वो अप ही है, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ पे तो अप रहेगा और फिर सेकेंड हाफ में थोड़ा मोड़ा न्यूट्रल होकर के उसको क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा पॉजिटिव ट्रेंड में। तो कल का जो मार्केट है आप कॉल साइड में कल ओपन होने, अगर कोई पोजीशन नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, कल भी आप ओपन साइड में पॉजिटिव पोजीशन, नियरेस्ट टू नियरेस्ट पोजीशन जो होगा आप उस पर चाहे तो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर मैं निफ्टी जो आज 26 बैंक जो क्लोजिंग हुआ है अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये 10,729 है, 26 दिसंबर 2018 का है, ये पुट है, ये कॉल है। अगर आप एट द मनी देखें 10,729 तो क्या दिख रहा है आपको, आपको 10,700 पे देखिए क्या दिख रहा है, 10,700 पे कॉल में अनवाइंडिंग हो रहा है, जो लोग शॉर्ट पोजीशन बना रहे थे वो हट रहे हैं और यहाँ पे देखिए राइटिंग हो रहा है, अब पुट की ओर राइटिंग हो रहा है। अब पुट में ही देखिए, पुट में देखिए तो 4,96,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया 34 लाख के साथ, मीन्स अब 10,700 के नीचे भी जाने को तैयार नहीं है।
तो कल का जो निफ्टी एक रेंज दिखाएगा 10600, तो मैं अपर रेंज बता रहा हूँ, 10600 भी नहीं जाएगा मेरे अंदाज से कल रेंज में, जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है 10729, तो 10700 से 10800 का रेंज में निफ्टी आपको कल देखने को मिल सकता है अपर साइड में। कोई भी चाहे तो कॉल में, कॉल साइड में उनकी जो वैल्यू 10750-49 रुपये में मिल रहा है। अगर आपको मिल जाएगा, ऊपर नीचे मार्केट दिखाएगा आपको, तो 49 रुपये में कल मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा कोशिश भी नहीं करना है, डेज का भी वैल्यू घटेगा। तो आपको ये 10750 या 10700 इन द मनी, आप 10700 को लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इन द मनी कॉल को लेने से फ़ायदा होता है। तो क्लोजिंग अगर वो 10800 के राउंड देता है तो आपको यहाँ की वैल्यू कल आपको देखने को पॉजिटिव में मिल सकती है। तो आप क्या दिख रहा है, ये निफ्टी क्या दिखा रहा है आपको, अभी देखिए कॉल साइड वापस फ्री ओपन दिखा रहा है, बट रिस्ट्रिक्टेड है। 45,000 का कॉल 11,000 पे है और 10900 पे 31,000 है। तो 10900 ऊपर साइड क्रॉस करने को तैयार नहीं है, क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 31 लाख का। और नीचे देखेंगे तो आप 10600 पे 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 36 लाख का, 34 लाख का। और उसी तरह 10700 पे भी 34 लाख का, तो 10600 और 10700 दोनों पे 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और ओपन इंटरेस्ट पे हर लेवल पे यहाँ पे देखिए कॉल में राइटिंग हो रही है, कॉल को शॉर्ट मारा जा रहा है और प्राइस वैल्यू भी देखिए डिक्रीज हो रहा है। तो कॉल राइटिंग हो रही है, मतलब अब उनको ये मानना है ये पुट की ओर नीचे नहीं जाएगा। और सब लोग कॉल पे, जो उल्टा पोजीशन, जस्ट रिवर्सल पोजीशन बना, जो पोजीशन आप कल कॉल की ओर देख रहे थे, अब पुट में देख रहे थे यहाँ पे फ्री हो रहा था और कॉल में राइटिंग हो रही थी, आज उल्टा आपको देखने को मिल रहा है, पुट में देखिए राइटिंग हो रही है, हर जगह पोजीशन ऐड हो रहा है, हर लेवल पे पोजीशन को ऐड किया गया है, 10700, 10650, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, लोग उसको शॉर्ट मार के उसकी वैल्यू को कम ले देंगे, ला देंगे। और अब जो पोजीशन आप देखेंगे केवल हाई वैल्यू बचा है 10600, 10650 पे। और ऊपर साइड में देखेंगे, कॉल में, कॉल साइड में देखेंगे तो आपको 10850 और 10800 इस पे मिला है। तो हो सकता है आप 10850 भी कल टच करके एक बार आपको दिखा दे, क्योंकि इसकी कॉल वैल्यू बहुत कम है और ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो और एक 10 रिस्ट्रिक्शन ऊपर की ओर देखें तो 10900 पे है 31 लाख का। तो कल 10700 से हो सकता है, 10900 का रेंज हो सकता है, लेकिन कहीं पे भी 750-810-800 के आसपास आपको क्लोजिंग कल का दिखा सकता है। और सिमिलरली सेम पैटर्न, यही पैटर्न बैंक निफ्टी में भी बना है। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो 27,000 एट द मनी, देखिए 26,986 एट द मनी, ये 27,000 का है। तो 27,000 में सेम वही कॉल में, अभी कॉल में राइटिंग देखिए अनवाइंडिंग हो रहा है, सारे कॉल पर अनवाइंडिंग चालू है और पुट में राइटिंग चालू हो गया। और 26,500 पे तो 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 7,78,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है और 11 लाख का तो आज ही वॉल्यूम हुआ है इसमें। तो समझिए कि कितने अच्छे वॉल्यूम से यहाँ पे आपको राइटिंग हुआ है। तो अब 26,500 तो नीचे तोड़ने से रहा, 26,500 जाना नहीं है मेरे अंदाज से कल आपको 27,400-27,500 हो सकता है आपको दिखाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा 27,500 के ओपन इंटरेस्ट है। तो कल आपको 27,500 भी दिखा सकता है, लेकिन आपको 27,000 का इन द मनी कॉल को अगर किसी को बाई करना हो तो इन द मनी कॉल जो कि आपको 145 मिल रहा है, तो हो सकता है कल नीचे थोड़ा आपको मिल जाए, या बहुत से बहुत 27,100 का जो 94 कॉल इन द मनी है, 27,100 पे ही पोजीशन बनानी चाहिए, इससे ज़्यादा ऊपर पोजीशन बनानी नहीं चाहिए। तो दोनों पॉजिटिव ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी। किसी को पोजीशन बनानी हो तो कॉल में पोजीशन बनानी है, एट द मनी पोजीशन बनानी, उससे दूर नहीं बनानी है। मीन्स 27,000 का कॉल लेना है अगर किसी को लेना है, और बैंक निफ्टी पे 10,700 का पुट लेना है, कॉल लेना है अगर किसी को लेना है। तो यही दोनों पे पोजीशन बनाएं। 10,700 का पुट 78 रुपये पे मिल रहा है आज की बात करो, और 10 अगर आप देखेंगे तो कॉल जो बैंक निफ्टी का 27,000 का कॉल मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको 145 रुपीज पे। ये है 26 दिसंबर का, 27 दिसंबर की क्लोजिंग की। कल इसकी एक्सपायरी भी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, आप ये ध्यान रखें, एक्सपायरी के दिन आपको प्लस माइनस होते रहेगा। तो सर दोनों पोजीशन बनानी है, कॉल की ओर बनानी है, ऐसी पोजीशन बनानी है। बाकी ये सारे पेपर ट्रेडिंग के लिए, एजुकेशनल पर्पज से है। आपको कोई भी पोजीशन मार्केट में बनाना हो तो आप पोजीशन बनाने के पहले अपने फंड एडवाइजर से ज़रूर सलाह मशवरा करके ही पोजीशन बनाएंगे। कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाता हूँ। और आप चाहें तो ये ओपिनियन मेरा जो था जो सुपर हिट हुआ, आप देखें 10 में इस पूरे महीने की आप जाकर के निफ्टी की ओपिनियन देख लें तो आपको सारे लेवल उसी लेवल पे मिले हैं, जो पुट की ओर पोजीशन बनाया, जब कॉल की ओर पोजीशन बनाया, जैसे बुलाएं वैसे। अगर कोई ले करके बैठे होंगे आज कि हम 650 का लेके बैठ गए होंगे तो उनको लॉस हुआ होगा, क्योंकि देखिए मार्केट जब एक 10,500 पे वहां से निकल नहीं रहा था नीचे, और बहुत देर तक खड़ा था, पोजीशन बना था, और चार्ट पे जब अप ट्रेंड बनना चालू हो गया था, एटलीस्ट आप यहां नहीं निकले होंगे, यहाँ तो 10,600 पे आपको निकल ही जाना चाहिए था,
तो भी आप लॉस नहीं किए होंगे। और जस्ट रिवर्स पोजीशन बनानी थी, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन जो इतने दिनों से बनी हुई आ रही थी वो पोजीशन यहाँ पे क्लोज होने की संभावना थी। तो चलिए आज निफ्टी पे आपने क्लोजिंग देख ही लिया, अच्छा खासा क्लोजिंग था। इंडेक्स की बात कर लें तो अब निफ्टी पे अगर मैं एक बार इंडेक्स भी बात कर लूँ, अगर इसमें इंडेक्स कैसा रहा तो एक मिनट इंडेक्स देखेंगे तो आप इंडेक्स सारे इंडेक्स पॉजिटिव रहे एक्सेप्ट मिड कैप के लिए। और यहाँ पे देखें सेक्टोरियल इंडेक्स देखें सब अच्छे रहे, बैंक हो ऑटो हो चाहे फाइनेंशियल सब लास्ट मोमेंट पे अच्छे खासे रिकवरी के साथ आपको दिखाए। प्राइवेट बैंक हो चाहे PSU बैंक हो चाहे रियलिटी हो सारे बैंकों ने अच्छा खासा इंडेक्स के रूप में आपको दिखाया, अच्छा खासा फायदा आपको देखने को मिल सकता है। जहाँ तक विक्स की बात करें तो विक्स ने 4% ऊपर से दे करके आपको जो करंट क्लोजिंग किया 16.43 पे जा करके क्लोज किया। तो विक्स थोड़ा अब दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं है, कल की क्लोजिंग पॉजिटिव ट्रेंड में हो सकती है। आपको कल के बाद जो मंथली क्लोजिंग रहेगी वीकली क्लोजिंग रहेगी उस पर फर्दर डिस्कस कर लेंगे। निफ्टी 50 में अगर एक बार डिस्कस कर लें तो निफ्टी 50 पे देखेंगे 36 एडवांसेस हैं, 14 डिक्लाइन है, डिक्लाइन एडवांसेस ज़्यादा हैं, मॉर्निंग उल्टा पोजिशन था। और देखिएगा तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिसने किया जी एंटरटेनमेंट ने किया 4% के साथ, अदानी पोर्ट ने, भारतीय एयरटेल ने, बजाज फिनसर्व ने, ये अच्छे पोजिशन दिखाए। और जो खराब पोजिशन दिखाए उसमें सन फार्मा, यस बैंक, TCS और इन्फोसिस, इन लोगों ने आइसर मोटर, ये लोगों ने थोड़ा खराब पोजीशन दिखाया। और आइसर मोटर 23,000 पे जा करके अप्रॉक्स क्लोजिंग बनाने में कामयाब रहा। चलिए देखते हैं आगे कैसे रहता है। तो निफ्टी पे यही पॉजिटिव है कि आप कल के लिए जो मार्केट है निफ्टी पे पॉजिटिव व्यू रहेगा। लेकिन अगर किसी को कोई भी पोजीशन मार्केट में बनानी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेंगे। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए चैनल है और पेपर ट्रेडिंग के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।